हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिजाइन योर ड्रीम्स। आज के इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि हम अपने यूकेजी क्लास के बच्चों को एवीएस में किस तरह से अलग अलग टॉपिक की प्रैक्टिस करा के उनके नॉलेज को काफी अच्छा कर सकते हैं। आई होप आज के इस वीडियो के थ्रू आप सभी को काफी हेल्प मिलेगी। यदि आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो वो वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। हमारी फर्स्ट वर्कशीट में मैंने कुछ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड क्वेश्चन लिए हैं। इसके थ्रू आप बच्चों को लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में सिखा सकते हैं। जहां पर भी बच्चे लिविंग थिंग्स देख रहे हैं उसके सामने उन्हें एल लिखना है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स है जिसमें जीवन नहीं रहता उसके सामने बच्चों को एन लिखना है। तो इस तरह से बच्चों को आप ये वाली वर्कशीट सॉल्व करवा सकते हैं। जैसे फर्स्ट है ट्री, टी आर डबल ई ट्री। तो ट्री क्या है? लिविंग थिंग है क्योंकि इसमें जीवन रहता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एल। बॉल, बॉल में कोई जीवन नहीं रहता तो बॉल क्या है? नॉन लिविंग थिंग, तो यहाँ पर लिखा जाएगा एन। क्लाउड, क्लाउड भी नॉन लिविंग थिंग है तो यहाँ पर भी हम एन लिखेंगे। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई इंसेक्ट है, इसमें जीवन रहता है तो ये क्या है? लिविंग थिंग, तो यहाँ पर बच्चों को एल लिखना है। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हम देख लेते हैं जिससे कि इस टॉपिक को हम बच्चों को और भी अच्छे से क्लियर करवा सके। हमारी सेकंड वर्कशीट में हमने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं, इसे आप बच्चों को रीड करने में और उसे समझने में हेल्प करें। जैसे फर्स्ट क्या है? यू आर अ लिविंग थिंग। आप बच्चों से पूछे हो क्या तुम लिविंग थिंग हो? यस yes. तो बच्चों को यहाँ पर यस yes पर सर्कल करना है। नॉन लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स क्या बड़े होते हैं? नो no. तो यहाँ पर नो को सर्कल किया जाएगा। लिविंग थिंग्स नीड फूड, जो लिविंग थिंग्स होते हैं जिनमें जीवन होता है उन्हें फूड की जरूरत होती है, सो दिस इज यस। नॉन लिविंग थिंग्स कैन मूव, नॉन लिविंग थिंग्स मूव करते हैं क्या? चलते फिरते हैं? नो no. इस तरह से आप बच्चों को क्वेश्चन पूछ पूछ के इसका आंसर करवा सकते हैं। लिविंग थिंग्स नीड सनलाइट, जो लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें सनलाइट की जरूरत होती है, यस yes. हमारी अगली वर्कशीट में बच्चों को मैचिंग एक्टिविटी के थ्रू आंसर करना है। इसमें बच्चों को आप छोटे छोटे नॉलेज के साथ साथ उनकी वोकैबुलरी को भी काफी अच्छा कर सकते हैं। ये दोनों ही तरफ के जो वर्ड्स हैं वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेट्स कर रहे हैं, तो इस तरह से ही बच्चों को इसे करेक्ट वे में मैच करना है। जैसे फर्स्ट क्या है? डी ओ जी डॉग। तो डॉग क्या होता है? पैट एनिमल। तो डॉग को पैट एनिमल के साथ हम मैच करेंगे। सेकेंड है सी एल ओ यू डी क्लाउड। क्लाउड का मतलब होता है बादल, तो क्लाउड मैच हो जाएगा रेन के साथ। मदर, फादर। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मैच हो जाएगा स्कूल के साथ। नेशनल फ्लावर, नेशनल फ्लावर क्या होता है? लोटस। एंड लास्ट वन इज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये क्या है? हेल्दी फूड। बिल्कुल इस तरह से। नेक्स्ट वर्कशीट इज फिल कलर इन डोमेस्टिक एनिमल। तो जो भी डोमेस्टिक एनिमल बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं उसे बच्चों को फाइंड आउट करके उसे कलर कर देना है। जैसे कौन कौन सा डोमेस्टिक एनिमल है? डॉग, शेप, और क्या है? काउ। और कौन सा है डोमेस्टिक एनिमल? हॉर्स, डियर, एलिफेंट, लायन, टाइगर और कंगारू। ये सभी क्या है? वाइल्ड एनिमल, जो जंगल में रहते हैं। तो डोमेस्टिक एनिमल इसमें से है डॉग, शेप, काउ एंड हॉर्स। नेक्स्ट इज चूज करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर फिश, बटरफ्लाई, कार, सर्कल, दिवाली और कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ये जो वर्ड्स हैं ये किससे रिलेट कर रहा है उसे बच्चों को चूज करके सर्कल या फिर कलर करने के लिए आप कहें। जैसे फिश, फिश क्या है? वाटर एनिमल है कि वाइल्ड एनिमल है? इट इज वाटर एनिमल, तो वाटर एनिमल को हम सर्कल करेंगे। बटरफ्लाई क्या है? बर्ड है कि इंसेक्ट है? इट्स इंसेक्ट,
तो इंसेक्ट को सर्कल किया जाएगा। कार रोड ट्रांसपोर्ट है या एयर ट्रांसपोर्ट? रोड ट्रांसपोर्ट। सर्कल, सर्कल क्या है? थिंग है या शेप है? इट्स अ नेम ऑफ शेप। दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट और फेस्टिवल ऑफ कलर? दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट। सो इस तरह से बहुत ही कम समय में हमने बच्चों को इस वर्कशीट्स के थ्रू काफी कुछ सिखा दिया, जैसे फिश क्या है, वाटर एनिमल है, बटरफ्लाई इंसेक्ट है, कार कहाँ पे चलता है, रोड पे चलता है। तो इस तरह से आपको भी ना अलग अलग क्वेश्चंस बनाकर बच्चों को इस तरह की वर्कशीट्स की प्रैक्टिस करवानी है। अगली वर्कशीट में बच्चों को कलर्स के नेम सर्कल करना है। तो कौन कौन से कलर्स के नेम है? चेयर है क्या? नो, इट्स अ नेम ऑफ थिंग। पिंक, PINK, पिंक, पिंक इज अ नेम ऑफ कलर, तो इसे हम सर्कल करेंगे। और कौन सा है कलर के नेम? रेड, RED, रेड। BLACK, ब्लैक, ब्लैक इज अ नेम ऑफ कलर। येलो, येलो इज ऑल्सो अ नेम ऑफ कलर। इस तरह की वर्कशीट से दो फायदा होता है, एक तो आप बच्चों को छोटा छोटा नॉलेज शेयर कर पाते हैं, साथ ही साथ उनकी जो वोकैबुलरी है वर्ड्स को रीड करने की वो भी बढ़ती है। तो आप इस तरह की वर्कशीट बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाइएगा। नेक्स्ट वर्कशीट इज राइट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यहाँ पर एक प्लांट की सिंपल ड्रॉइंग बनाई गई है। इसके थ्रू आप बच्चों को प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स के बारे में समझा सकते हैं कि किस पार्ट को क्या कहा जाता है। जैसे पहला क्या है? स्टेम। तो स्टेम कहाँ पर है? ये वाला है स्टेम, तो बच्चों को यहाँ पर स्टेम की स्पेलिंग लिखने के लिए आपका है। सेकंड क्या है? फ्लावर। तो फ्लावर कहाँ है? ये फ्लावर है, तो फ्लावर की स्पेलिंग यहाँ लिखी जाएगी। नेक्स्ट वर्ड इज BUD, बर्ड। बर्ड यानी कली, तो कली कहाँ है? ये है, तो यहाँ पर हम बर्ड लिखेंगे। नेक्स्ट इज लीफ, ये लीफ है, पत्तियां, तो यहाँ पर हम लीफ लिखेंगे। नेक्स्ट इज रूट्स, रूट्स यानी जड़, तो रूट्स कहाँ है? ये वाले, तो यहाँ पर लिखना है ROOTS, रूट्स। लास्ट में क्या बचा? फ्रूट्स, फ्रूट्स कहाँ है? ये प्लांट के फ्रूट्स हैं, तो यहाँ पर फ्रूट्स लिखा जाएगा। सो इस तरह से सिंपल ड्राइंग के थ्रू आप बच्चों को प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स का नॉलेज दे सकते हैं कि किस पार्ट को क्या कहा जाता है। सो डियर फ्रेंड्स, ये थी हमारे UKG क्लास के बच्चों के लिए EVS की कुछ इम्पोर्टेंट वर्कशीट्स। आई होप आज की इस वीडियो के थ्रू आप सभी को काफी हेल्प मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।